गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वर्ब की जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो तो उसके हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसे पहले अध्याय में मैंने कुछ नियम बताए थे, उनको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले। प्ले वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होती है। और इसका मैंने पहले भी बताया था, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ये इसका देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में इज का प्रयोग होता, जो मैंने इसे पहले लेसन में करवाया है। अब देखना कि जब यहां पर सेकंड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, तो जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होगी तो वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज का प्रयोग करना है। देखिए मैं करके दिखाता हूं, फुटबॉल फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी। यहां वॉज क्यों आया, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग किया जाता है जब एक वचन ऑब्जेक्ट हो। यदि बहुवचन ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम बताऊंगा आगे। देखिए इसी प्रकार से जब डिड का प्रयोग हो या डिड नॉट का प्रयोग हो, ये भी पास्ट टेंस में ही है। जब डिड का प्रयोग हो या डिड नॉट का प्रयोग हो, मैं पास्ट टेंस इसलिए नहीं मैंने बताया कि केवल आपने डिड देखना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड पास्ट टेंस ही होता है। अब देखिए जब ये डिड नॉट हो या डिड अकेला हो, तब भी आपने वही प्रयोग करना है जो मैंने इसमें बताया है। यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब की फॉर्म है डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, और ये सिंग वर्ब की फॉर्म। यहां पर सेकंड फॉर्म थी, यहां पर प्लेड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे पहले डिड आ गया और वो दर्शाता है कि डिड हमेशा ही पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मोहन डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ए सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय मोहन। आप कहेंगे आप ये संग कहां से आया, संग ये सिंग की, सिंग सिंग संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पर ए सॉन्ग, इसलिए यहां पर ए सॉन्ग शुरू में ही आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। यहां पर मोहन सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर मोहन ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट, जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, डिड लगा हो, तब क्या करते हैं। यहां पर डिड है, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बताया कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज और वर्ब वाक्य के शुरू में ही आ जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पर डिड है,
यहां पर ए हाउस सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर वॉज वॉज ए न्यू हाउस। अब इसके बाद क्या करना है, ये वॉज पहले आ गया, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर शुरू में ही लेके आएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड, बी यू आई एल डी, बिल्ड मैंने बनाना निर्माण करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी यू आई एल टी बिल्ड वॉज ए न्यू हाउस वॉज बिल्ड, फिर बाई प्रीपोजिशन, और फिर किसने बनाया है, रामू ने बनाया है, ये सब्जेक्ट था इस सेंटेंसेज में, इस सेंटेंस में, तो वहां पर आके अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, जहां पर पहले ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस का चेंज ऑफ वॉइस बन गया। और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही इंडिकेट करता है कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाएगी। अब और देखिए, इसे एक और अहम नियम मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, इसको मैं साफ कर देता हूं, कि जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कैन का प्रयोग हो, कुड का प्रयोग हो, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, जिनके मॉडल ऑक्सिलरी हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो यानी कि मॉडल का प्रयोग हो, मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है, जब मॉडल ऑक्सिलरी हो तो वहां पर हमने चेंज ऑफ वॉइस बनाते, इसमें नियम वही लागू करना है जो मैंने पहले बताया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से। और क्या करना, देखिए जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था, प्रिंसिपल विल एड्रेस, ये मॉडल भी है विल, और ये फ्यूचर टेंस भी है, सेल और विल फ्यूचर टेंस में प्रयोग होते हैं, ये भी मैं बताता हूं आपको। अब क्या ना क्या है, ये मॉडल भी है और वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस मॉडल ऑक्सिलरी में एक ही नियम है चेंज ऑफ वॉइस का, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जैसे मैंने ये लिखा, द प्रिंसिपल विल एड्रेस, ये विल एड्रेस वर्ब की फॉर्म है, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ही डिवाइड कर लीजिए, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। अब देखिए ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आते हैं, ये जनरल नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले द स्टूडेंट क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जब भी हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज कर देते हैं, द स्टूडेंट्स पहले ही आ गया। अब ये विल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल, विल लगाना है, इसके साथ बी ई सभी मॉडल के साथ हमेशा ही चेंज ऑफ वॉइस में मॉडल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए स्टूडेंट विल बी वी एड्रेस्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करना ही करना है,
इसमें कोई छूट नहीं है। द प्रिंसिपल विल एड्रेस द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल बी एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। अब ये चेंज ऑफ वॉइस में वाक्य चेंज हो गया है। केवल आपने क्या करना है, बी का प्रयोग करना है, बी का। सभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ चेंज ऑफ वॉइस में मॉडल के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे और किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं है गलती होने की। वही नियम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है और बाय का प्रयोग करना है। अब देखिए, चाहे कोई भी सेंटेंसेस लीजिए, दी स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर दी एग्जाम, अब देखिए विल प्रिपेयर दी नोट्स बना देता हूं यहां पर, विद्यार्थी नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स। अब इसके साथ चाहे आप कुछ भी मॉडल में से उठा लीजिए, मैं दोबारा एक बार लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। मैं एक ही बार में करके बताता हूं सभी को, दी नोट्स, नोट्स ऑब्जेक्ट। इसके बाद चाहे आप कुछ भी लिख दे, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, कैन बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ भी लगा दीजिए, एक ही पूछा जाएगा, एक ही ऑक्सिलरी आएगी, मॉडल कुछ भी आ सकता है, सभी इकट्ठे नहीं आएंगे। चाहे वो विल भी लगा दो, शैल भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो, कैन भी लगा दो, वुड भी लगा दो, शुड भी लगा दो, मे भी लगा दो, माइट भी लगा दो, एक ही आएगी। आपने एक ही बात याद रखनी है, जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी आएगी तो उसके साथ हमेशा ही चेंज ऑफ वॉइस में बी का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करना है और जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके आए हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अब देखिए, द स्टूडेंट विल प्रिपेयर द नोट्स, तो द नोट्स हमने पहले लिया, यहां पर द स्टूडेंट सब्जेक्ट था, द नोट्स ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके द स्टूडेंट पहले लिया, फिर कोई भी मॉडल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो उसके साथ हम सिर्फ अपने बी का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड। अब इसके पश्चात बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे और बाद में क्या करेंगे, जो हमने सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। ऐसा कैसा, केवल हमने बताया था पहले आई को मी में बदलेंगे, वी को वस में बदलेंगे, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा आएगा। इसलिए यहाँ पर द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट ही आ जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो आपको इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वेरी सिंपल मेथड है चेंज ऑफ वॉइस करने का और एक ही टाइम में फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ सभी मॉडल ऑक्सिलरी में भी यही यूज होता है।
इसी का प्रयोग करना है। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए आप आगे करेंगे। और जो भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।